Please subscribe to our channel Education Talks with Abbas and press bell icon for latest and more educational videos. डियर फ्रेंड्स, हमने जो है चैप्टर हमारा जो है सेकंड स्टार्ट किया, हमने क्या नाम उसका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हमारे पास है, उसमें हमने सबलिमेशन पढ़ी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ी है। अब हमारा जो हमने चैप्टर वन के हवाले से भी एक जो वीडियो लेक्चर हमने सिक्स बनाया है वो भी आप देख सकते हैं जाके। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। आज हम जो हमारा जो ये जो वीडियो है इसमें हम बनाएंगे इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की बेसिकली होती क्या है, ये भी हमारे पास प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन एंड आइसोलेशन टेक्निक है हमारे पास। तो आपको ये एक यूनिट जो वर्ड हमारा है क्रोमेटोस, क्रो इसका मतलब क्या होता है, कलर राइटिंग। क्या होती है? कलर राइटिंग। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम कलर्स की बेस पे इसको हम किसी भी अपना हमें सलूट सेपरेट करना होता है तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें से हमने डिजायर नंबर मतलब डिफरेंट उसमें चीजें मिक्स हुई हैं, हमने सबको सेपरेट करना है, तो हम सबको सेपरेट आसानी से हम कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये बीकर में क्या है हमारे पास वाटर है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं वाटर H2O लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसमें मैंने एक फिल्टर पेपर या टिश्यू पेपर मैंने इसमें ना ये वाटर में डिप कर दिया और यहाँ मैंने इनका निशान लगा दिया, ठीक है। अब आपने किया होगा शायद नाइटर में एक्सपेरिमेंट किया, तो इनका निशान लगा दिया। अब हम वाटर में हम डिप करते हैं तो ये क्या होगा, ये इनका निशान फैलता जाएगा, ये हमारा क्यों पड़ जाता है, ये हमारा इसे हम बोलते हैं कैपिलरी रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरी रिएक्शन। अब ये कैपिलरी रिएक्शन हम अपनी जो है डेली लाइफ में किस तरह देख सकते हैं। अब जो हमारे जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, अपना पानी लेते हैं कहाँ से, अपने कदमों से, हम क्या सकते हैं जमीन से, सोल से लेते हैं, तो वो क्या लेकर अपने पत्तों तक से लेके जाएंगे जो है बोलते हैं कि मतलब वो अपने जो है मतलब से लेके अपने डिजायर मतलब अपने जो लीव्स तक लेके जाते हैं, ये हमारा था कैपिलरी रिएक्शन। अब हमारा जो क्रोमेटोग्राफी है वो भी इसी पे बेस कर रहा है कैपिलरी रिएक्शन पे, कि हम जब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर राइटिंग। अब इसमें बहुत ही इसे डेफिनेशन आप उसे देख सकते हो, याद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, क्या ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, और साथ सेपरेशन टेक्निक भी कह लेते हैं हम इसे, और ये क्या है, और तीसरी क्या है इसके, आइसोलेशन, आइसोलेटिंग भी हम इसे कर सकते हैं, मतलब जो हमें चाहिए हम उसको कलर राइटिंग के थ्रू उसे ले भी सकते हैं। अब एक में इसमें डेफिनेशन आ गई, डिफाइंड क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे जो है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं क्रोमेटोग्राफी के वो हमारे दो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। एक हमारा इसमें मोबाइल फेस होता है, क्या होता है आपको ये भी आता है, राइट कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एक हमारा मोबाइल फेस है, दूसरा हमारा क्या है स्टेशनरी फेस, दूसरा क्या है स्टेशनरी फेस, जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो आपको बुक में मिल जाएंगी। अब बेसिकली इसमें एक है क्या मोबाइल फेस में, कि हमारी जो क्रोमेटोग्राफी इसमें होती है वो इसमें जो हमारा कंपोनेंट यूज होगा वो हमारा क्या होगा लिक्विड फेस में, क्या होगा मोबाइल फेस हमारी किसमें होती है लिक्विड फेस, किसमें होती है लिक्विड फेस, और जो हमारी स्टेशनरी फेस होती है वो हमारी सॉलिड या हमारी लिक्विड फेस हो। अब आपने मैं पिछली एग्जांपल करवाई थी, आपके पास ये बीकर में वाटर है, इसको हमने फिल्टर पेपर ऐड किया है। अब जो वाटर जो होगा ना, वाटर क्या है हमारे पास, ये क्या इस वक्त मोबाइल फेस है, वाटर क्या है वाटर मोबाइल फेस है, जो हमारे पास ये हम टिश्यू पेपर या फिल्टर पेपर ये हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा डिजायर कंपोनेंट जो है इसके ऊपर क्या होगा लाई करेगा सॉलिड के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं ना, उसकी सतह पे जाके देखें। अब ये हमारा मोबाइल फेस क्या करेगा, इसके ऊपर फ्लो करेगा, सब कह रहे हैं फ्लो, स्टेशनरी फेस में देख लेते हैं मोबाइल फेस
फ्लो ऑन स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज में क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम मोबाइल फेज ऑन, हमारे पास जो स्टेशनरी फेज आपको बता दी है, तो इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इसे आप याद कर लीजिए, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बारे में। अब आगे इसकी जो और टाइप्स हैं, इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, इसमें एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, इसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, वो भी हम टेक्निक्स देखेंगे कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में क्रोमेटोग्राफी का इसकी जो लेक्चर उसका नेक्स्ट लेक्चर उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे ये सारे सीरीज ऑफ लेक्चर अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।